हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है मॉमीज़ को। तो इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी का जैम, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और मार्केट की अपेक्षा बहुत ही कम दामों पे। तो वीडियो को सभी मम्मियाँ देखें और बनाएं अपने घर में अपने बच्चों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से कमेंट करें और लोगों के साथ रेसिपी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये बहुत ईजीली बन जाता है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी डब्बों में हमको मिलती है प्लास्टिक के कंटेनर्स में, वो 3 डब्बे हैं ये। और अभी मैंने इनको काफ़ी देर से थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रखा था और अब मैं इन्हें काट लूँगी। तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है और बहुत ही अच्छा टेस्टी जैम आपको मिल जाएगा, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव्स के। और फ्रिज में रखने पर ये कम से कम महीने भर तक ख़राब नहीं होता है। कि यहाँ पे हमने इनको ऐसे टुकड़ों में काट लिया है और इसमें कोई ग्राइंडिंग या कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है। और आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, ये स्ट्रॉबेरी और एक चाहिए आपको चीनी, बस और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। और इसमें से देखिए ये वेस्ट निकला है, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें फेंक देनी है। और ये देखिए धोने के बाद कितना इसमें से गंदगी निकली है। तो गाइस देखिए, ये हमारी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनको हमें कुकर में शिफ्ट करेंगे और मैं यहाँ से डाल रही हूँ। इस मेथड से क्या है, वैसे तो आप डायरेक्टली कढ़ाई में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, गैस ज़्यादा कंज्यूम होती है। इस मेथड में क्या है कि फटाफट से आपका बन के रेडी हो जाएगा। कढ़ाई की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको थिकन करने के लिए, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं इसको कुकर में डाल के। और देखिए 3 कटोरी जो हमारी स्ट्रॉबेरीज थी, बड़ी कटोरी उस पर मैं ये छोटी 1 कटोरी भर के चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको हम टेस्ट कर लेंगे एक बॉईल आने के बाद। आपको बस एक ही सीटी देनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप इसे मिक्सी में पीसेंगे तो बिल्कुल मतलब पेस्ट टाइप का हो जाएगा, हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा चंकी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको, तो गाइस देखिए लगभग 2 सीटी के बाद ये ऐसा हो गया है, मगर वो 2 सीटी मेरी 1 के बराबर ही थी, क्योंकि इसमें कुकर में बहुत जल्दी जल्दी सीटी आती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन आप बिल्कुल पानी ना ऐड करें तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विड हो गया है। और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो इस जो है जैम है जो आपका, इसमें आपको कोई सी भी कलर फ्रेग्रेंस कुछ डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्वीटनर थोड़ा सा चीनी ज़रूर डलती है इसके अंदर, बाकी आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और ये जो थी हमने 100 रुपये की 3 ली थी सरोजनी नगर से, हालांकि आगे जाके 100 रुपये की 4 भी बिक रही थी, तो आप देख लेना और थोड़ा सा बार्गेन भी आप कर सकते हो। अब आप जो है ना इसको बिल्कुल फुल फ्लेम पर पकाते जाइए, जब तक कि आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और एट दी एंड जब ये स्ट्रॉबेरीज़ को आप देखेंगे तो ये ज़्यादा चंकी होंगी, तो आप इनको हल्का हल्का सा अपने स्पैचुला से ही मैश करते जाइएगा। और इन बिटवीन आप इसको एक बार हल्का सा टेस्ट कर लीजिएगा कि क्या शुगर और ऐड करने की ज़रूरत है या इतनी इनफ है। मैंने इसमें ऊपर से लगभग आधी कटोरी चीनी और डाली है, मैं दिखाती हूँ आपको। आपको ये दाने दिख रहे होंगे चीनी के, मुझे भी नहीं दिख रहे, पर अभी डाली है मैंने आधी कटोरी और, क्योंकि आप इसको किसी चीज़ के साथ खाएंगे, ब्रेड वगैरह के साथ या रोटी पे, तो थोड़ा मीठा तेज होना चाहिए इसके अंदर। और अगर आपको ये सिंपल बस वैसे ही खाना है या अपने केक्स वगैरह में यूज़ करना है तो आप कम मीठा भी रख सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये मैंने रात में बनाया था और सुबह ठंडा होकर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, और मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि लगाने में भी बहुत इजी रहेगी। और अब आप इसको किसी कंटेनर में शिफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर लिया है, और फिर आप इसको फटाफट से फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और आप इसको चाहे ब्रेड के साथ एंजॉय कीजिए, चाहे रोटी के साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल गारंटीड है कि टेस्ट इसको आपका बहुत, नहीं इसको आपका नहीं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप बार बार इसको बनाएंगे। और इसी तरीके से मैं आपके साथ और भी जैम की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप बने रहिएगा चैनल पे और औरों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।